की जरूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। सीएम योगी की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें 33 प्रस्तावों पर मोहर लगी। 6 जिलों में मेडिकल कॉलेज के विकास के लिए स्वीकृति मिली। इसमें महोबा, बागपत, कासगंज, हमीरपुर, मैनपुरी, हाथरस शामिल है। यह सरकार के पीपीपी मॉडल पर बनाया जाएगा। छोटे उद्यमियों का दुर्घटना बीमा 5 लाख देने के एमएसएमई विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। साथ ही जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट को उत्तर प्रदेश जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग राज्य विश्वविद्यालय करने का प्रस्ताव पास हुआ। टोटल 33 प्रस्ताव आज कैबिनेट के समक्ष पारित हुए हैं। 32 प्रस्ताव पहले से तय थे। एक प्रस्ताव भामाशाह की जयंती पर एक व्यापारी कल्याण दिवस की घोषणा हुई है। यह अतिरिक्त प्रस्ताव मेरे द्वारा रखा गया था, वो मंत्री परिषद के द्वारा उस पर स्वीकृति प्रदान की गई। कृषि एवं कृषि प्रौद्योगिकी कृषि विश्वविद्यालय कुशीनगर की स्थापना का प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में स्वीकृत हुआ है, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के 10 जनपद गोरखपुर के 4, गोरखपुर मंडल के 4, बस्ती के 3 और आजमगढ़ के 3 मंडल, कुल 10 जनपद उसके कार्यक्षेत्र के भीतर होगा। नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के पास 27 जनपद हैं, उसमें से ये 10 जनपद निकाल करके नए विश्वविद्यालय के अंतर्गत किए जाएंगे।